राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान का दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ गई है। इसे संभालना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है, लेकिन आपके लिए ये जानना आवश्यक है कि आप राम मंदिर के दर्शन तो कर सकेंगे, लेकिन उन्हें माला फूल या नारियल इत्यादि नहीं चढ़ा सकेंगे। भगवान के दर्शन करने के बाद जब भक्त बाहर निकलेंगे तो वहीं पर प्रसाद दिया जाएगा। दरअसल राम मंदिर आंदोलन के बाद से ही भगवान का दर्शन करने वाले भक्तों को अपने साथ कोई वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। सुरक्षा कारणों से मंदिर के बाहर ही भक्तों को अपना सभी सामान जमा करा देना पड़ता है। बाद में कोरोना काल में संक्रमण से बचने के लिए भी ज्यादातर मंदिरों में माला फूल या नारियल चढ़ाने पर रोक लगा दी गई। आज भी कई बड़े मंदिरों में इसी तरह की व्यवस्था चल रही है, यानी भक्तों को यहाँ भगवान के दर्शन करने की अनुमति तो होती है, लेकिन उन्हें माला फूल या नारियल चढ़ाने की अनुमति नहीं होती। आपको बता दें, विहिप नेता शरद शर्मा ने अमर उजाला को बताया कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों में भारी उत्साह है। लोग बड़ी संख्या में आकर नया मंदिर और भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। अनुमान है कि प्रतिदिन दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों की संख्या 1 लाख से 1.5 लाख के बीच हो सकती है, लेकिन भक्तों को दर्शन के समय भगवान राम को माला फूल या नारियल अर्पित करने की अनुमति नहीं दी गई है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन मंगलवार को इतनी भारी संख्या में राम भक्तों का जमावड़ा होने लगा कि प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और लोगों को संभालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बता दें, इससे मंदिर परिसर के नजदीक धक्का मुक्की भी हुई, जिससे प्रशासन को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इतना ही नहीं, मंगलवार को आधी रात से ही मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ एकत्र होने लगी और सुबह होते होते और बढ़ गई, जिससे प्रशासन की सांसें फूलने लगी। इस दौरान कई श्रद्धालुओं को चोट भी आई। हालांकि इस दौरान लोगों का कहना था कि वो दर्शन के बाद ही वापस लौट कर जाएंगे। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद मंगलवार को आम लोगों के लिए जब पहली बार मंदिर खुला तो आस्था का रेला उमड़ पड़ा। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए राम जन्मभूमि पर पहुंच गए थे। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास ने बताया कि मंदिर सुबह 6:30 बजे आरती के बाद खोला गया। जैसे ही मंदिर खुला, दर्शन के लिए भक्त उमड़ पड़े। बड़ी संख्या में भक्त रामलला के दर्शन के लिए 2-3 दिनों से रुके हुए थे। भीड़ को देखते हुए दोपहर में मंदिर 1 घंटा पहले ही खोल दिया गया। पहली पाली में ही 50,000 से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।